यू हैव अ क्वेश्चन सर, सबसे बड़ी एंट्री फिल्म में किसकी होने वाली है, क्योंकि आप कैप्टन ऑफ शिप हैं, इसलिए आपसे जानना चाहूंगा कि सबसे बड़ी एंट्री इस फिल्म में किसकी होने वाली है। करण की सरप्राइज है, अगला अगला पुलिस वाला करण है। और मैं क्या लगूंगा, मैं क्या लगने वाला हूं उस आउटफिट में, मैं क्या बताऊं। एंड भाई वी वुड लव टू सी इट्स वर्दी बाय लुई विटन। अभी यहाँ पे स्टैंड अप शुरू होने वाला है, एक आधे घंटे का शो सबको मिल जाएगा। हाँ एंड अक्षय जी, अक्षय जी अरे कोई कुर्सियां मिलती नहीं है, बैठ जा भाई। ओके हाँ एक्सक्यूज मी, आप देख रहे हैं कि इन्होंने जो लिबास पहना है इसमें ये नहीं बैठ सकती, आप प्लीज भगवान के लिए इस श्रीमती कटरीना कैफ के लिए आप खड़े हो जाएं। इसके लिए भगवान के लिए कि इनके लिए? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी, एक सेकंड। अरे बैठ गई, बैठ गई, बैठ गई, क्या बात है, वेरी गुड। अरे करण भी बैठ गया। अरे आगे वाले मोबाइल नीचे रखो, पीछे वाले बोल रहे हैं। अरे नहीं साला, कैमरा शूट नहीं कर पा रहे। पीछे वाले को नहीं दिख रहे आपने, आपको अच्छा ऊपर वाले को नहीं दिख रहे। हां पीछे वाले को नहीं, पीछे वाले को नहीं, पीछे वाले को नहीं दे, उठो। एक्सरसाइज करवा रहे हैं अक्षय। क्या अक्षय जी? नहीं नहीं नहीं, ठीक है, नहीं बता रहा मैं, इट्स बेटर द एनर्जी। ओके ओके स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। कोई कुछ पूछना चाहता है? रोहित, रोहित, अक्षय और अजय, वो इंसान पूछना चाहता है कुछ। इन्होंने सवाल पूछा था, इनको जवाब नहीं मिला। रोहित हाँ बोलना यार। रोहित आपकी फिल्म सिम्बा में ही आपने बता दिया था कि सूर्यवंशी आ रही है, मतलब इट वाज डिसाइडेड कि इसके बाद एक उसका दूसरा फ्रेंचाइज हो गया, तो यू आर द फर्स्ट पर्सन लाइक कि फिल्म एक फिल्म हो और उसके आगे यू आर डिसाइडेड कि एक और एक फिल्म आने वाली। ज्यादातर ऐसे होता है कि फिल्म हिट होने के बाद यू डिसाइड कि ये आगे जाने वाला है, तो हाउ वाज दैट थिंग प्लान्ड एक्चुअली? यू नो कुछ आइडिया नहीं यार, दिमाग में था कि ये चलेगी तो आगे कंटिन्यू करेंगे, तो बस वही किया इतना। हाँ अभी उस पे ऐसा लंबा लेक्चर देके शो ऑफ कर सकते हैं, बट मतलब लगा कि आगे बढ़ाना चाहिए, पब्लिक को पसंद आएगा, बना दिया। क्या वाक्य चाहिए आपको इसमें से? हाँ इसमें क्या मैसेज है? नहीं नहीं, आप क्या डोनेट करेंगे? इसमें डोनेट क्या करूँगा? क्या कह रहे हो आप मैडम? नहीं मैडम छोड़िए ना, क्या रोहित, रोहित जी नो नो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। रोहित जी, रोहित जी हियर। इस पिक्चर के बाद ये मुझे हेलीकॉप्टर गिफ्ट कर रहे हैं, वहां भी ट्रैफिक मिलेगा तुझे। क्यों आज बैठे बैठे कब्र खोद रहे अपनी? रोहित जी। हाँ मैम। राम गोपाल वर्मा जी ने हमें बताया था अपने इंटरव्यू में कि मुंबई पुलिस ने उनको कंपनी या थत्या में बहुत हेल्प की थी। इन्होंने बताया था अनुराग कश्यप ने कि राकेश मारिया ने उनको ब्लैक फ्राइडे में बहुत हेल्प की। क्या आपको भी रियल कॉप्स जो हैं वो हेल्प काफी करते हैं? बहुत सारे कॉप्स हैं, मतलब जब फिल्म आएगी तो आप देखेंगे कि हम उनको ऑब्वियसली हम उनको उनका नाम देंगे जो कॉप्स जिनके साथ हमने रिसर्च किया। और ये तो अभी एक मतलब कॉप का ब्रांड ही हो गया, हमें सिर्फ कहना पड़ता है कि हमें शूटिंग करना है एंड दे कम एंड एवरीथिंग इज डन फॉर अस। तीनों जो आपके कैरेक्टर्स हैं बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट हैं, चैलेंजिंग सबसे ज्यादा कौन सा था, सिम्बा, सिंघम या सूर्यवंशी? एक्चुअली चैलेंजिंग ऐसा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट दैट के ऑडियंस के लिए नया क्या करें वो चैलेंजिंग हो जाता है, नॉट द कैरेक्टर और द एक्टर। कि अब सिम्बा देख चुके हैं, सिंघम देख चुके हैं, तो अब सूर्यवंशी में और क्या बड़ा कर सकते हैं? ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन के साथ बच्चे बड़े सब आते हैं, यंगस्टर्स स्पेशली, सो उनके लिए क्या नया कर सकते हैं, दैट इज चैलेंजिंग। अक्षय जी आपके राइट में, अक्षय जी आपने ढेरों सारी फिल्में की है, लेकिन जब जब पुलिस की वर्दी में आप आते हैं
तो कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है आपके लिए। एंड दूसरा सवाल ये कि हेलीकॉप्टर का वो जो सीन हमने देखा सभी एक करके बेटा एक एक करके पूछ, पुलिस की वर्दी में जब जब आप आते हैं तो कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है आपके लिए, क्योंकि आपके बहुत अच्छा लगता है। वैसे पुलिस की वर्दी नहीं, कोई भी किस्म का यूनिफॉर्म हो, चाहे वो आर्मी का हो, नेवी का हो, एयरफोर्स का हो, कोई भी यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म की एक डिग्निटी होती है, तो बहुत अच्छा लगता है जब एक मौका मिलता है। और मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ और हम सभी मानते हैं जो इंडस्ट्री में है कि हमें इतने इतने किरदार मिलते हैं खेलने के लिए, सो आई फील वेरी प्राउड अबाउट इट। एंड वो जो हेलीकॉप्टर का सीन है वो सभी को बहुत पसंद आया, तो थोड़ा सा आप करके दिखाओ आपका एक्सपीरियंस। नहीं नहीं, यहाँ हेलीकॉप्टर नहीं है। हाँ, यहाँ हेलीकॉप्टर तो है नहीं, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? क्योंकि एक्सपीरियंस वही है जो पुराना है, जब जो उस वक्त हुआ था, सबसे बड़ा खिलाड़ी में किया था, बहुत सारे और फिल्मों में किया, वैसे ही एक्सपीरियंस है। उतनी हवा आ रही थी, वैसे ही चल रहा था हेलीकॉप्टर, बढ़िया था। बस ये थे कि उस वक्त सिर्फ एक या दो कैमरा होते थे, यहाँ इन्होंने 7 कैमरा लगा दिए, तो जल्द काम हो गया। एंड रणवीर जी, आप भी मानते हैं कि आपकी फ्रेटिनिटी में सबसे कमीने आप हैं, ऐसा ट्रेलर में ऐसा है तो? ये सवाल था कि जजमेंट का, डायरेक्ट इंसल्ट ऐसा ट्रेलर में है? मैं नहीं खेल रहा हूं, फ्रेटिनिटी की बात है, ये फिल्म की बात है, ये आपका बहुत गलत है आपने जो ऐसा सवाल किया, ये मैं आपसे कहूंगा कि आपने बहुत गलत हिसाब से सवाल किया है, वो फिल्म के अंदर डायलॉग है, ना कि फ्रेटिनिटी का डायलॉग है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि ऐसा ऐसा ना पूछे। ओके, अक्षय और मेरा अक्की, हेलो, हमेशा मुझे पहचाने आएगा मेरा अक्की। अक्षय, अजय और रोहित, आपकी फिल्म में बार बार इस बात को दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, फिल्म की ट्रेलर में डायलॉग भी है कि हिंदू और मुसलमान जो भारत के हैं वो एक साथ रहते हैं, और मतलब बार बार इस एकता की बात को दिखाया गया है। और इन दिनों देश के जो हालात हैं और खासतौर से जो दिल्ली में हो रहा है, और चूंकि फिल्म की बात हो रही है, बोलो, थोड़ा सा सीरियस इशू है वो, और बहुत लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, और इस वक्त सबसे बेस्ट चीज होगा हम सबके लिए कि थोड़ा शांत रहे, जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, हमारी गवर्नमेंट है, और हमारे जो लोग हैं जो वहाँ पर हैं, यहाँ पर बॉम्बे में ऐसे हंसी मजाक करते हुए जो वहाँ लोगों पे बीती है उस पर बात करना बहुत आसान होता है। सबसे बेस्ट चीज़ है इस वक्त पूरे हिंदुस्तान को चुप रहना चाहिए। क्या हो गया कि सब आके बोल रहे हैं और केओस बढ़ते जा रहा है। शांत रहेंगे, अपने आप होगा, वहाँ पर एक CM है, सब लोग हैं, और वहाँ ग्राउंड रियलिटी पे जब कभी दंगा देखा है किसी ने आप लोगों में से, फटके हाथ में आ जाएगी। कभी नहीं करना चाहिए ये सब, हम लोगों को चुप रहना, हम लोग यहाँ आए मस्ती करने, और फिर मैं बोल दूंगा, लेक्चर बोल दूंगा, और मेरा थोड़ा सोशल मीडिया पे वाह वाह भी हो जाएगी। इस वक्त हम सबको इस चीज को लेके चुप रहना चाहिए फिलहाल थोड़े दिनों के लिए, जिन पे जो बीत रही है वो सब सॉर्ट हो जाए, फिर सब बोल सकते हैं। थैंक यू, सर रिक्वेस्ट प्लीज कैन वी हैव क्वेश्चंस ओनली ऑन द फिल्म। अरे अपने बाकी टेक्नीशियंस को तो बुला लो सब, आओ फरहत भाई, कम यूनुस भाई, आओ, वी हैव ऑल द टेक्नीशियंस ऑन द स्टेज। अनाउंसमेंट पहले ही कर दिया था कि ये दिन आने वाली है, बल्कि पहले तो ये कहा था कि ईद में आएंगे, हम तो पहले आए हैं, तो मतलब वो तो बल्कि जल्दी आ जाता था, ये आज का वक्त है, सिर्फ थोड़ा लेट हो गया है, तो कंसिडर, हम तो मजे ले रहे हैं इससे, ठीक है, और वरना तो ये सही टाइम पे आ जाता है, सुबह 7 बजे आके मुझे इसने कई बार उठाया। हाय कैटरीना, मैं इसको बताता था बेटे मैं 4 बजे उठा हुआ हूँ, मैं कसरत करके सो चुका था थोड़ी देर के लिए। हाय कैटरीना, मेरा सवाल है अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ के लिए, ये ट्रेलर बहुत बढ़िया था, लेकिन एक चीज जिसका अभी और इंतजार है, उस गाने का टिप टिप बरसा पानी, तो उस गाने के बारे में, उस रिक्रिएशन के बारे में थोड़ा आप दोनों बोलिएगा प्लीज। टिप टिप बरसा पानी के लिए एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उसके अंदर हम सब मिलके फिर बताएंगे कि उसमें क्या क्या रिक्रिएशन किया है, ठीक है? ओके, हाय कैटरीना, कैटरीना हाय हियर। मैं तो अजय सर का डांस के लिए वेट कर रहा हूँ, मैं अजय सर के डांस के लिए वेट कर रहा हूँ, सब बोल देगा, सब बता देगा। थैंक यू कैटरीना, हाय। एक्चुअली एक गाना जो आएगा सबसे पहले उसमें अजय सर से हमने डांस करवाया है।
मैं गया था रिहर्सल पे, तो वो डांसर लोग हम लोग को दिखा रहे थे, हाँ सर तो आप यहाँ से आएंगे, फिर अक्षय सर यहाँ से आएंगे, फिर ये अजय सर का पार्ट दिखाते हैं आपको. मैंने बोला अजय सर भी नाच रहे, अच्छा दिखाओ. और फिर जो हुआ आप पिक्चर में देख लेना, देख लेना. Katrina, when you were offered, were you skeptical in the beginning, considering like it's a cop universe, and did you take some time to accept the offer? Like, did you have a substantial part or? No, definitely. I absolutely love the part that I play in the film, and more than anything, what I look at when I see a film is if the film works for me and has it moved me, has the story touched me, and is what I'm doing crucial in the film. And I think the entire film has the entire script, the entire story. When you see the film, it's everyone's role. Everyone who is here standing on stage, who's acted in the film, everyone's role is crucial to the film. And the film has really come out amazingly. This is Sonal from Zee News This Side. Aap teenon mein kehte hain double dhamaka nahi triple dhamaka is trailer ke dwara fans ko mila hai, aur ye ek bahut hi entertaining journey hogi trailer ko dekh kar lag raha hai. Bahut sari shubhkamnaen aap logo ko. सबसे पहले कि चूंकि आप तीनों का जो सीन्स हैं वाक्य सब लोग पूछ रहे हैं, तो मैं भी एक पूछना चाहूंगी कि कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस जब आप तीनों की बॉन्डिंग या उसको शेयर करता हुआ हम सभी से शेयर करना चाहें, हम कोई एक बॉन्डिंग, कोई इंसिडेंस, कोई मौका. मेरा एक्चुअली सिम्बा में ही हो गया था सब, मैं बोलूँगा क्योंकि मेरा जेन्यून है. मतलब एक शूट चल रहा था हम लोग का महबूब स्टूडियो में, और पहला शॉट हुआ जो कंबाइंड था अजय सर का और मेरा, और ऐसे फोरग्राउंड में मैं खड़ा हूँ और पीछे से अजय सर ऐसे आके अपीयर करते हैं, फिर हम लोग दोनों साइड बाय साइड, एंड आई रियली हैड अ मोमेंट देयर. मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं आई एम शेयरिंग स्क्रीन स्पेस विथ माय स्क्रीन आइडल्स. वो जब भी मैं मॉनिटर में जाके चेक किया तो आई थिंक रोहित सर रिमेंबर्स वेरी क्लियरली दैट आई वॉज रियली हैविंग अ मोमेंट. आज मैं यहाँ बैठा था, मैं अक्षय सर को भी बोल रहा था, आपने को इंटरनेट पे देखी होगी हमारी फोटो, मैं बचपन में जब ही इनसे मिला था, और आई नेवर फॉरगेट दैट डे. एक दिन वो था, एक दिन आज है, आज मैं इनके साथ पिक्चर में हूँ. आई फील टू इनक्रेडिबली ब्लेस्ड बियॉन्ड वर्ड्स. थैंक यू. चार बार बोल चुका है, बार बार अक्षय को उसकी उम्र याद दिलाता है, बचपन में मिला था, बचपन में मिला था. थोड़ा सा रेलिवेंट क्वेश्चन है एक आप तीनों के लिए. आपने सिम्बा का जिक्र किया, उसमें एक कहानी जो थी, एक विक्टिम की कहानी थी, और हमारे देश में भी एक विक्टिम, निर्भया की बात कर रही हूँ मैं, तो आपको लगता है कि उनके गुनाहगारों को सजा मिलनी चाहिए और फांसी की सजा जल्द से जल्द होनी चाहिए? आप सभी का एक रिएक्शन इस पर चाहिए. इस किस्म के गुनाह को तो 100% फांसी मिलनी चाहिए, मतलब कोई डाउट ही नहीं उसमें तो. अक्षय सर आपका भी सर, और रणवीर. बिल्कुल, हम सब एक ही हैं, यही बात पे हम पूरी तरह सहमत हैं. We have last two questions, ladies. Ajay sir, here. Akshay sir, Ajay sir, सबसे मेरा सवाल है ये, रणवीर आपसे भी. जैसे कि शुरू में ही कहा गया कि ऐसे ट्रिपल धमाके बहुत रेयरली हमारे इंडस्ट्री में अभी देखने मिलते हैं. एक टाइम था जब अमर अकबर एंथनी और इस तरह की तमाम फिल्में बनती थी, अभी टू हीरो थ्री हीरो फिल्म बहुत कम हो रही हैं, बनती हैं ऐसा. रीजन क्या है आपके हिसाब से? मेरा हो गया, मेरे को क्या पूछ रहे हो? मैं तो लेके आ गया सब. तुम लोग बोलो. मुझसे पूछा, किनसे पूछा, नाम तो बता दो. तीनों लोगों से जवाब तो एक ही होगा ना. अच्छा, मतलब आप ये पूछ रहे कि ये मल्टी स्टार क्यों नहीं बनती? देखिए, हमने तो बहुत सारी की हैं. इसका जवाब तो ये देगा, ये आदमी नया है सर. मैं भी कर रहा हूँ सर. तू करता क्यों नहीं सर? मैं 13-14 से कर रहा हूँ. मैं तो गुंडे की, फिर ऑनसॉम कास्ट की, दिल धड़कने दो, मैं 83 कर रहा हूँ, सूर्यवंशी कर रहा हूँ, मैं तो तख्त भी कर रहा हूँ विक्की के साथ. मैं तो इसमें नहीं हूँ सर. मैं नहीं हूँ. फिर क्यों नहीं बन रही? मतलब बन तो रही है. आप दोनों देखिए कितने सालों बाद साथ में आए हैं. हाँ जी, आप दोनों ही कितने सालों बाद साथ में आए हैं जी. देखिए, पहले एक जमाना था जब राजकुमार कोहली साहब बड़ी बड़ी मल्टी स्टार फिल्में बनाते थे. अब उनको भी पूछना चाहिए, वो भी बनाए तो बहुत बढ़िया रहेगा. जैसे लास्ट फिल्म उनकी थी जानी दुश्मन. मजा आ गया सर, कल्ट फिल्म है वो, जिसमें करीबन सात हीरो साथ में थे. एक्चुअली रोहित सोच, सात हीरो को लेके बनाते हैं. जानी दुश्मन 2. हेलो, दिस इज साक्षी फ्रॉम E24. आई ऑलरेडी हैव द